नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। मुजफ्फरपुर जिले में भारत बंद का भयावह असर दिखा। 21 पार्टियों के द्वारा भारत बंद को लेकर समर्थन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारेबाजी की जा रही है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मुजफ्फरपुर में हुए दुष्कर्म जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा फांसी की सजा की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। जिसमें NH-77 को सुबह को जाम कर दिया गया। जगहों पर सड़कों के बीचों बीच टायर जलाकर अगजनी की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर मुजफ्फरपुर में भी भारत बंद का असर दिखा। जगहों जगहों पर दिखा सड़क को जाम कर, रास्ते के आवागमन को अवरुद्ध किया गया। कई दलों के द्वारा भारत बंद का समर्थन को लेकर मुजफ्फरपुर के औराई, सरैया, मोतीपुर, साहिबगंज, कटरा में भारत बंद का असर दिखा। सुबह होते कांग्रेस के समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। दल एक होकर के इस भारत बंद को सफल बनाया है। 6 बजे से ही पूरा लोग रोड पर उतर गए हैं और ये साबित करता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जनता का विश्वास खो चुकी है। भाजपा गठित जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस देश के 85% आवाम को कुचल करके रख रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भारत बंद का व्यापक असर बिहार के विभिन्न जिलों में देखने को मिला। पटना में जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने सरकारी बस को अपना निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की, निजी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। क्या कुछ कहेंगे, बंद के दौरान गाड़ियां तोड़ी गई आपकी? देख रहे हैं, तोड़ी तो गई है। कहीं ना कहीं आम आदमी है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? डॉक्टर है, नौकरी पे जा रहे हैं, NMCH में। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेल को रोककर नारेबाजी की गई। जगह जगह बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर यातायात को अवरुद्ध किया। बंद समर्थकों का नेतृत्व जाप अध्यक्ष पप्पू यादव कर रहे थे। कहीं कहीं बंद समर्थकों ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाया। बंद समर्थकों के उत्पात को देखते हुए कहीं कहीं पुलिस को हल्का बल प्रयोग और लाठियां बरसानी पड़ी। है कि समाज में वॉयस पैदा होने से ऐसे ऐसे चीजों को, जिस तरीके से STSC सोल्ड जैसी ऐसी चीजों को ला करके समाज में एक तनाव पैदा करके समाज के मूल्यों से भटकाने की जो कोशिश की जाती है, ये गलत है। डीजल पेट्रोल जैसी चीजें न कोई जाति न वर्ग, यह समाज के हर उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो रोजमर्रे की जीवन को जीता है। यदि आज उस पर भी देश एक साथ खड़ा नहीं हो, इसमें राजनीति नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस ना कोई, भले कांग्रेस ने पहल की हो, लेकिन देश की सभी पार्टियां निश्चित रूप से आज देश के 130 करोड़ लोगों के सवाल पर रेल और सड़कों पर है और व्यापक समर्थन है। मैं समझता हूं कि सरकार को अविलंब डीजल और पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण करना चाहिए। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत बंद के समर्थन में आज सुबह 7 बजे से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बाईपास बस स्टैंड के पास सड़क को जाम कर सड़क पर टायर जलाकर अगजनी कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे की खबरों के लिए बने रहे एमयूजेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।